When was your first night वगैरह? So yeah, that was हमारा first night था. और मिलने के बाद उसके बाद हम लोग ने हेलो हेलो, हाय एवरीवन, एवरीवन, वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब चैनल। सो या एंड जैसे आप लोग ने टाइटल देख लिया है, सो आज हम लोग क्या बनाने वाला है? हम लोग बेसिकली हाउ वी मेट वाला क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा चल रहा था, सो उस बारे में हम लोग, है ना, हाउ वी मेट वो बताने वाला है। इट इट वुड बी अ शॉर्ट एंड हाँ, क्रिस्प हम लोग वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं बनाएगा, सो शॉर्ट ही बना लेगा. सो या हाँ चलो हाँ स्टार्ट करते, सीधा है ना, स्टार्ट करते हाँ वीडियो को. कैसे मिले? सो फर्स्ट हम लोग 2019 से मिला है थ्रू डेटिंग ऐप, है ना? हाँ, ब्लूट से, हाँ, यार होता ब्लूट था. से मिला था हाँ, और फिर वी और चैटेड फॉर सम टाइम। मेरे को उतना याद है, हम लोग सितंबर से स्टार्ट किया था, चैटिंग किया था. हाँ, उसके बाद हाई हेलो जैसे होता ना, नॉर्मल चैटिंग फिर होता है. 1 महीने बाद हम मिले, फिर उसके हाँ, उसके बाद बाद हम दैट लोग वाज आवर बात फर्स्ट डेट। हाँ हम लोग मिलने के बाद ना, उसके बाद हम लोग हमारा फर्स्ट मिलने के बाद ना, हम लोग हाँ, ने रुक हो गया, मतलब रोक बस गया हम हाँ लोग, बीच में वैसे स्टॉप हो बीच में गया. कांटेक्ट में हाँ, नहीं थे। फिर बंद कर दिया था. उसके बाद मैंने आके टैक्सी जाता, मेरे को आके टैक्सी आता, विशाल इधर गांव में ही है और सम शादी का फेस्ट अटेंड करा था. आप याद है मेरे को? नहीं, मैंने आपको टैक्सी आता, क्या कर रहा हाँ आजकल, ज़्यादा फ़ोन टेक्स्ट भी नहीं कर रहा, क्या हुआ, ये सब ना, मैंने बोला था. फिर उसके बाद हम लोग अक्टूबर में हाँ, मिले। फिर से हम लोग ऐसे चैटिंग करने लगा, कॉल पे बात करने लगा. और फिर अक्टूबर में मिले और उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर में मिलने के बाद फिर तुमको हम यहाँ लेके, फिर हम तुमको नो नो, हमारा विलेज लेके गया था। ऐसा है, आपको तो आपको पूरा याद नहीं है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद. मेरे को एक्सप्लेन करना पहले, तो मेरे को बोलने दो. हाँ ला, लॉस हम लोग मिल रहे हैं 2019 सितंबर में, हम लोग चैटिंग किया. सो चैटिंग करते करते हम लोग ने नंबर फोन भी एक्सचेंज कर दिया था. और उसके बाद व्हाट्सएप में कॉल करने लगा. सो हम लोग ने एक फर्स्ट टाइम भी मीट किया, जिसे लोग बोलते हैं ना, हम क्वेश्चन भी पूछा था, व्हेन वाज योर फर्स्ट नाइट वगैरह. सो या दैट वाज हमारा फर्स्ट नाइट था. और मिलने के बाद उसके बाद हम लोग ने था और मिलने के बाद उसके बाद हम लोग ने बात करने बंद किया था कुछ एक महीना जैसे. उसके बाद मैंने आके फिर से इसको टेक्स्ट किया कि क्या चल रहा है, कैसे है, वो सब, है ना. सो फिर से हम लोग बातचीत करने शुरू हो गया था. और जब विशाल सिलीगुड़ी आया था, सो इसने बोला मुझे कि फिर से मिल सकता है, ये सब बोला था. मेरे को उतना याद नहीं, बट थोड़ा थोड़ा याद है. सो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं है. सो उस टाइम भी हम लोग फिर से मिला था और इसने मेरे को अपने गांव में घूमने लेके गया था. कितना दिन था? 2 दिन ना, ना 2 दिन घूमने लेके गया था. किधर गया का नाम? संगमा, हाँ, उधर दार्जिलिंग साइड में. सो है ना, उस टाइम हम लोग रिलेशनशिप में नहीं था, लाइक है ना, बस ऐसे ही. हाँ फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड जैसा ही. लेकिन हम लोग उस टाइम हम लोग बात करें ना कि लाइक, मैंने उसको भी पूछा कि सिंगल हो, तो इसने नहीं बोला उस टाइम, किसी और के साथ, है ना. और के साथ नहीं था, बस लेकिन हाँ बात कर, हाँ, ऐसे बात हुए, सो मैं तो रेगुलर सीधा बात कर रहे क्लियर हूँ हैं। कि मैं तो सिंगल हूँ. तो मैं बोला सिंगल हूँ. सो ऐसे ही तो पता नहीं, आज हम लोग ने किसी ने फर्स्ट बोला था आई लव यू, किसी ने प्रपोज किया था हम दोनों ने. किसी ने प्रपोज नहीं हाँ, बस किया हम लोग था। की समझ आ गया कि मुझे लग रहा कि हम लोगों को समझ आ गया कि हम दोनों बने हुए, या तो हम लोग को प्यार हो गया, या तो है ना, बस खुद ऐसे एक्सेप्ट हो गया था. और ना मैंने बोला उसको कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता, कि या विशाल ने पूछा मेरे को क्या मैं ऐसा, ना हम लोग ने ऐसा बोला ही नहीं है, पता नहीं, बस ऐसे अचानक हम लोग साथ में ही रह रहा था इसको उस. सारा डिटेल्स पता है। हाँ बोलो। अंतो आप बोलो तो फिर ना. हाँ बोलो बोलो। और और फिर उसके बाद एक दिन मैं सिलीगुड़ी फिर आया था, तो फिर इसको बोला, मिला इसके साथ, फिर मैंने बोला चलो घर चलते हैं, साथ में गैंगटॉक में रहते हैं, तो सब कुछ बताया। तो फिर उसके बाद हम लोग, ये हाँ इसने भी हाँ कहा तो हम लोग आ गए। हाँ सो हाँ, और उस टाइम से ही हम लोग इधर आया था. एंड मैंने हाँ इधर आया था 2019 नवंबर से, 4 तारीख, तब से मैं वो दिन नोट करके रखा कि नवंबर 4 तारीख हमारा एनिवर्सरी होता है. क्योंकि जब से मैं इधर शिफ्ट करता ना, तब से मैं हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ हाँ शुरू एक्चुअली। हुआ.
सो एक्चुअली मेरे को इधर परमानेंट रहने का प्लान ही नहीं था, बट ड्यू टू है ना कोविड कोविड की वजह से तो मेरे को परमानेंट बन गया था। आप इसका जिंदगी भी परमानेंट बन गया है। बस इतना ही है ऐसे, और फिर हम झगड़ते रहते, इधर उधर और करते या रहते हैं, और फिर 2019 से जिंदगी चल कितना रहा साल है। हुआ? 4 साल, ऑलमोस्ट 4-5 साल होने वाला ना। अब ये 5वां साल चल रहा है। हाँ, अब मैं इधर ही रहा तब से, इधर विशाल के साथ है। बट या मैं गांव जाता हूँ कभी कभी, साल में एक बार जैसा है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विशाल के साथ ही रहता हूँ, घर विशाल के घर में ही रहता हूँ। सो ये हाँ हमारा शॉर्ट सा लव स्टोरी है। हमारा ज़्यादा उतना इंटरेस्ट लव स्टोरी नहीं, क्योंकि हम उतना क्योंकि हमने गुलाब नहीं दिए, बुकेज नहीं हाँ दिए, और तो गिफ्ट्स नहीं और एक्सचेंज किए, कार्ड्स नहीं दिए, बस दिस इज व्हाट आर हमारा लव शॉर्ट है, स्टोरी क्योंकि इज। हम लोग का लंबा सा वो नहीं बनता ना, लाइक हमारा जल्दी वो हो जाता है रिलेशन। कोर्टशिप लंबा नहीं हाँ, रहा, बस तो जल्दी बस जल्दी इतने में कनेक्ट हो जाता है। और मुझे कि फर्स्ट टाइम मिलते ही मेरे को समझ आता कि लाइक आई फील कंफर्टेबल विद हिम ना। सो मेरे को वो पसंद आया। बट मैंने इसको कभी भी नहीं ये बोला कि नहीं कि मेरे को आपको पसंद पसंद तो पता चल जाता ना, कि जब मिल रहे हैं, बात कर रहा है, साथ घूम रहे हैं, तो समझ आ जाता कि पसंद है। बट मैंने बोला ही नहीं कि पसंद है। सो वैसे ही हम लोग ने दैट्स हाउ वी मेट। हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं लाइक जैसे दूसरों का ना, कि लंबा है, हम लोग ने इतना साल उसके बाद डेट किया, उसके बाद रिलेशनशिप में आया। हम लोग ऐसा नहीं है, एक दो तीन डेट किया उसके बाद हम लोग समझ आया कि हमारा है, हम दोनों प्यार है। सो हम लोग साथ में ही रह रहा तब से, चलो बाय बाय, सी यू। सिर्फ इतना ही हाँ बस है। इतना ही।